हेलो दोस्तों, मेरे चैनल वारिधि मंथन में आपका स्वागत है। हिंदी सिनेमा में यूं तो बहुत से खलनायक आए और चले भी गए, लेकिन इन दो खलनायकों जैसा ना कोई आया और ना कोई आएगा। बात हो रही है महान अदाकार प्राण सिकंद और अमजद खान की। क्या कमाल की अदाकारी, देखते ही सिहरन छूट जाती। माए सिनेमा घरों में जब इन विलनों को देखा करती तो अपने बच्चों को पल्लू से ढांप लिया करती। सहमे हुए बच्चे भी उनके पर्दे से गायब होने का इंतजार किया करते। इनकी खलनायकी की अदाकारी इतनी ज्यादा जीवंत थी कि अगर ये रोड पर निकल जाया करते तो लोग इन्हें गालियां दिया करते, कोई श्राप दिया करता तो कोई बद्दुआएं। लेकिन कौन जानता था कि अनजाने में निकली ये बद्दुआएं इन दोनों अभिनेताओं को सच में लग जाएंगी। जब आप इन दोनों अभिनेताओं की दर्दनाक अंत की कहानी सुनेंगे तो शायद आपको भी बद्दुआओं के सच हो जाने पर यकीन हो जाएगा। आइए वीडियो शुरू करते हैं। इस इलाके में नए आए हो बरखुरदार, वरना शेर खान को कौन नहीं जानता। ये महज एक डायलॉग था, लेकिन ऐसे ना जाने कितने ही डायलॉग्स मशहूर अभिनेता प्राण सिकंद के मुंह से निकले और उन्होंने इन्हें मशहूर कर दिया। दिल्ली में 12 फरवरी 1920 को इनका जन्म हुआ। पिता का नाम था लाला केवल कृष्ण सिकंद। प्राण साहब का बचपन अलग अलग शहरों में बीता। वजह थी पिता का सरकारी ठेकेदार होना। जिस शहर में भी ठेका मिलता वहीं रह जाना पड़ता, लेकिन बाद में लाहौर ठिकाना बन गया। फिल्मों में तो महज सिगरेट का शौक ले आया। आइए ये दिलचस्प किस्सा सुनाते हैं। अमीर परिवार से थे तो पैसों की कोई कमी नहीं थी। 12 साल की उम्र से ही सिगरेट का शौक लग गया। गली गली का हर पान वाला इन्हें देखते ही इनके ब्रांड की सिगरेट निकाल कर बाहर कर लेता। इन्हें बचपन से ही फोटो खींचने का शौक था, तो ये फोटोग्राफर बन गए। 1940 या 41 की बात होगी, एक बार पान वाले की दुकान पर पहुंचे तो वहां इत्तेफाकन फिल्म राइटर वली मोहम्मद खड़े थे। ना जाने प्राण को देखते ही उनके मन में क्या आया। एक कागज के टुकड़े पर फौरन अपना पता लिखा और प्राण को मिलने के लिए बुला लिया। मगर प्राण तो अपनी ही धुन में रहा करते थे, उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया। कुछ समय बाद वली दोबारा टकराए और पूछा, मिलने क्यों नहीं आए। प्राण ने पूछा, क्यों मिलना चाहते हैं। तब वली ने फिल्मों की बात बताई, तब जाकर प्राण तैयार हुए थे। बस मिलते ही बात बन गई और पहली फिल्म मिली पंजाबी यमला जट। इस फिल्म में प्राण साहब पर डायरेक्टर शौकत हसन रिजवी की नजर पड़ी। इन्होंने 1942 में आई अपनी फिल्म खानदान में प्राण साहब को एक रोल दे दिया। लेकिन जिस फिल्म के बाद इनकी किस्मत चमकी वो फिल्म दिलवाई थी मंटो ने। बंटवारे के बाद प्राण साहब बम्बई चले आए और फिल्में पाने के लिए भटक रहे थे। इसी दौरान इनकी मुलाकात शहादत हसन मंटो से हुई। उन्होंने देवानंद की फिल्म जिद्दी में इन्हें रोल दिलवा दिया, जो 1948 में आई और सुपरहिट हो गई। बस इसके बाद तो प्राण ने कभी पीछे पलट कर ही नहीं देखा। मधुमति, कश्मीर की कली, खानदान, लव इन टोक्यो, हाफ टिकट, गुमनाम, उपकार, पूरब और पश्चिम, राम और श्याम, जॉनी मेरा नाम, डॉन, एक से एक बढ़कर शानदार फिल्में और एक से एक बढ़कर बेमिसाल किरदार। 60 हो, 70 हो या 80 का दशक, ऐसी कोई फिल्म नहीं होती जिसमें प्राण का एक दमदार किरदार ना हुआ करता। आपको जानकर हैरानी होगी कि उस जमाने में प्राण की फीस अमिताभ बच्चन और शत्रुघ्न सिन्हा जैसे अभिनेताओं से भी ज्यादा हुआ करती थी। और हो भी क्यों ना, जंजीर जैसी फिल्म में भले ही इंस्पेक्टर बने अमिताभ बच्चन को लोग भूल जाएं, लेकिन शेर खान बने प्राण को भूल पाना नामुमकिन है। किसी बुरे इंसान का किरदार इतने शानदार तरीके से किया करते कि उस जमाने में लोगों ने अपने बच्चों का नाम प्राण रखना ही बंद कर दिया था। अगर सड़कों पर निकल जाया करते तो लोग इन्हें गालियां दिया करते, कोई लफंगा तो कोई गुंडा कहकर बुलाता। फिल्मी पर्दे पर बुरे इंसान का किरदार देखते देखते अनजाने में ही लोग इन्हें बुरा इंसान समझकर बद्दुआएं देने लग जाते। मगर दोस्तों, यही बद्दुआएं शायद उन्हें सच में लग गईं, और लगी भी तो पैरों पर। जी हाँ दोस्तों, बेहद कम लोगों को पता होगा कि उनके जीवन के अंतिम 20 साल तो व्हील चेयर पर ही गुजरे थे। उनके दोनों पैरों में इतनी सी जान भी ना बची कि उनके पूरे शरीर का वजन संभाल पाती। दोनों पैर खराब हो गए और वो 20 सालों तक चलने को तरसते रहे। अपने पैरों की इसी दशा को झेलते झेलते साल 2013 में इन्हें हार्ट अटैक आ गया और उनकी मौत हो गई। दूसरे खलनायक का तो कहना ही क्या, जिस फिल्म में भी आते बड़े बड़े हीरो भी फीके पड़ जाते। अगर कुछ याद रह जाता तो वो थे अमजद खान और उनके किरदार, शोले का गब्बर सिंह, चरस का रॉबर्ट, देश परदेश का अवतार सिंह,
राम बलराम का सुलेमान सेठ, किन किन किरदारों की बात की जाए, मगर कम ही लोगों को पता होगा कि 70 और 80 के दशक के इस महान खलनायक को इनके पिता हीरो बनाकर लॉन्च करने वाले थे। जी हाँ, 12 नवंबर 1940 को पैदा हुए अमजद खान के पिता जकारिया खान थे। अमजद का जन्म मुंबई में ही हुआ था। जकारिया खान पुराने जमाने के मशहूर विलन थे, जो कि जयंत के नाम से मशहूर थे। उन्होंने बेटे को हीरो बनाकर लॉन्च करने की तैयारी भी कर ली थी। मनोज कुमार की 1967 में एक फिल्म आई थी, पत्थर के सनम। इस फिल्म को दो साल पहले ही 1965 में जयंत बनाने जा रहे थे। अपने पैसे लगाकर सिर्फ अपने बेटे को इस फिल्म से लॉन्च करने के लिए उन्होंने तो अमजद खान का स्क्रीन नेम तक सोच लिया था, नीरज। मगर होना कुछ और ही था। ऐसे में जयंत की ये योजना सफल ना हो सकी और फिल्म मनोज कुमार के पास चली गई। खैर, अमजद खान की किस्मत बदली साल 1975 में, जब उन्हें वो फिल्म मिल गई जिससे इनकी पहचान बनी। रमेश सिप्पी एक फिल्म बनाने जा रहे थे, हीरो हीरोइन सब फाइनल, और विलेन के किरदार के लिए डैनी का रोल पक्का था। मगर डैनी उन दिनों धर्मात्मा फिल्म में इतने ज्यादा व्यस्त हो गए कि उन्हें मना करना पड़ा। ऐसे में रमेश सिप्पी ने फिर से तलाश शुरू कर दी। एक दिन रमेश सिप्पी को अमजद खान एक शो में एक्टिंग करते हुए दिखे। बस यहीं सिप्पी को अमजद पसंद आ गए और किरदार मिल गया। फिल्म का नाम था शोले। गब्बर सिंह के किरदार में गब्बर बन के आए और उस जमाने के तमाम विलन्स की छुट्टी कर डाली। हर ओर सिर्फ अमजद खान का नाम था। इसके बाद तो इनकी एक से बढ़कर एक फिल्में आईं और विलन के किरदार में अमजद खान ने खूब नाम कमाया। इनकी अदाकारी का हाल भी कुछ ऐसा ही था कि लोग इन्हें सचमुच का खलनायक समझकर सच में गालियां दिया करते। शायद अनजाने में दी गई कुछ बद्दुआएं इस अदाकार को सच में लग गईं। अमजद खान को कसरत का बहुत शौक था, 3-4 घंटे कसरत किया करते, बैडमिंटन भी खूब खेला करते। मगर फिर अनजाने में मिली बद्दुआएं लगने लगी। 80 का दशक चल रहा था। अचानक एक दिन अमजद खान का एक्सीडेंट हो गया। 11 पसलियां और पैर की हड्डी टूट गई। 3 महीने तक बेड पर पड़े रहे। डॉक्टरों ने 3 साल तक किसी भी तरह की कसरत करने से मना कर दिया। महज साल भर बीते थे कि एक बार फिर एक भीषण हादसा हो गया। ये बात साल 1985 की है। वो एक फिल्म की शूटिंग के सिलसिले में मुंबई से गोवा जा रहे थे। इसी दौरान उनकी गाड़ी पलट गई और इस हादसे में अमजद खान को इतनी गहरी चोटें लगी कि वो कोमा में चले गए। बड़ी मुश्किल से कुछ समय बाद वो होश में तो आए, मगर टांग टूटी हुई थी। तो फिर बिस्तर पर आ गए, कुछ ठीक हो रहे थे कि अचानक एक दिन इनके मुंह के बाएं हिस्से को लकवा मार गया। डॉक्टरों ने इनको 3 महीने तक एस्टेरॉयड पर रखा। इन दवाइयों के बहुत साइड इफेक्ट होने लगे, वजन भी अचानक बहुत ज्यादा बढ़ने लगा, कसरत कर नहीं सकते थे। और ऐसे में कुछ ही सालों में अमजद खान की हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई। 27 जुलाई 1992 के दिन उनको इतना बड़ा हार्ट अटैक आया कि उनकी महज 55 साल में मौत हो गई। दोस्तों, आपको प्राण साहब और अमजद खान साहब में किन की अदाकारी ज्यादा पसंद थी, हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करिएगा, और अगर आप हमारे चैनल वारिधि मंथन पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, ताकि ऐसी ही अनसुनी कहानियां हम आपके लिए हमेशा लाते रहें।